गया आप किधर है? कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो है थोड़ा सा गंदा पार्ट लगा है और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। हमारे दो वहाँ पे सब्सक्राइबर दिख रहे से हाय मैं जूम करके दिखा दूँ। फर्स्ट गियर लगाने के बाद ना भाई इसमें फील होता है और मैं यहाँ पे आवाज़ भी नहीं दे सकता। और बाहर निकालने के बाद तो फिर पता नहीं कैसी, क्या कहें अब। यहाँ से जाए क्या, ये बस घुस गया, अब इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। हम यहाँ से जाएंगे। और सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में, आपको तो पता चल ही गया रहेगा न्यूज़, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छी न्यूज़। मैं आप सभी लोगों को सच्ची में सॉरी बोलना चाहूंगा यार, पर्सनल काम के वजह से मैं जो बिज़ी हुआ हूँ ना किसी सोशल मीडिया पर दिख रहा हूँ, ना किसी और जगह में दिख रहा हूँ, उसके लिए रियली सॉरी। यहाँ पे हम जा रहे हैं चैंग के घर पे, आज वहीं पे चाय पानी पियेंगे। घर तक आए थे धनंजय भैया, भीमा, शिविका, चप्पल और ये हमारा एक इकलौता रेगुलर हमारा साथी। ओके, थोड़ा गाड़ी चला लेते हैं यार, क्या करें। जो न्यूज़ है वो ये है, महाराष्ट्र का लॉकडाउन और एक्सटेंड कर दिया है। हाँ, एक्सटेंड कर दिया है। बाबा ऐसा सडनली कार दिखता है तो डर जाता हूँ एक टाइम के लिए, कि बंदा आ रहा है कि रुक रहा है वो समझ नहीं आता है। बंदा अभी तक काम कर रहा है यहाँ पे, क्या बात है। खबर लेने आया है? खबर लेने आया क्या? गाड़ी का क्या नहीं अभी तक नहीं दिया। अरे देने जाना है रे, लेकिन फ़ोन पे पूछ लेना यार, दे ही मत ना, मतलब उसको भी पड़ी नहीं है गाड़ी की यार। तो कुछ नहीं, आरिफ के पास गया था, थोड़ा काम था। ये रहा साबुद्दीन की गाड़ी अभी तक पोस्टर में घूम रही है, साबुद्दीन ने भी सेल कर दिया गाड़ी। इसको तो आज चलाएंगे, थोड़ा आज इसे चलाना है। अरे बाप रे, ये भाग क्यों रही है? ओहो ये देखो कुछ तो होगा। अरे अरे बच 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 गया अंकल, गाड़ी की आवाज़ से तो नहीं भाग रही है लोग? अरे भागो 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 सब लोग। क्या बोलो? अरे बोलो जल्दी बोलो। करू क्या? हाँ करो ओके ओके ओके, जो देखो वो, मतलब क्या है ये, कोई भी आप नहीं बोल सकते यार। खुशी मिलती है, अच्छा लगता है मुझे भी, उन्हें भी। ये आप मुझे, अब यहाँ का पता नहीं, गया आप। हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया एकदम, हाँ हाँ चालू है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? व्लॉग कर रहा है? हाँ हाँ कर रहा हूँ। अभी चालू है व्लॉग? हाँ। गाड़ी खरीदने से तेरा सुबह 4:30 बजे निकला यार तू थाने तक, थाने में। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा डील मिल गया तो ले लिया मैं। तेरा सब वीडियो देखा गाड़ी का? अरे थैंक यू सर, मुझे मालूम है, मैं आपको एक बार भी रुका था, तू देख लद्दाख जाके आया था कैरियर दे। हाँ हाँ हाँ, ये अपना ये था ड्यूक का ड्यूक। हाँ हाँ वो भी है, सब तेरा ब्लॉग देखता है। थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक यू। क्या प्रॉब्लम है? बोल रहा था उस दिन, बोल रहा था कुछ तो प्रॉब्लम। हाँ वो चालू करते हैं ना तो ये आवाज़ आता है, ये लाइट भी नहीं, रेड लाइट पहले नहीं ये हो रहा था ना। हाँ वो थोड़ा थोड़ा होता है। हाँ वो तो है। चलो ओके, चलिए सर, बहुत खुशी हुई। जब भी मैं पुलिस के सामने रुकता हूँ, मतलब कभी गाड़ी रुकती है चेकिंग के लिए,
मैं ना बहुत डर जाता हूँ और हकलाने लगता हूँ, मतलब डर डर के सारी बातें बताने लगता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंट पूरा भाग जाता है, ऐसा लगता है कि मैं कोई क्राइम करके आया हूँ और डर रहा हूँ। लेकिन आज लाइफ में पहली बार इतने अच्छे से बात किया है, बहुत खुशी हुई। और थैंक यू सो मच सर, आप भी मतलब इतना, मतलब आप भी मेरे वीडियो देखते हो, बहुत खुशी मिली। बस लॉकडाउन खुल जाए या फिर हम राइड पे निकल जाए, गाँव ही निकल जाएंगे यार, काम धाम तो कुछ हो ही नहीं। किसका डॉग है ये, कहीं से भाग के तो नहीं आए? जब तक हम पहुंचेंगे तब तक सनसेट या सनराइज, पहले कंफ्यूज दूर कर लूँ, सनसेट और सनराइज। सनराइज मतलब सुबह सुबह और सनसेट मतलब शाम को। ओके, तो आई थिंक जो सनसेट हो गया। हाँ भाई, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, बच्ची ने कैसा कान बंद कर लिया था। मैं इस बाइक को पहली बार यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और सोचा था टाइम पे पहुँच जाऊँगा, बट टाइम पे पहुँच ही नहीं पाया। अरे भैया 800 सीसी है, बड़े मक्खन जैसे चढ़ गई इस पे। अरे बाप रे, इधर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं यार। ऐसा ना हो कि मैं कहीं लेके जाऊँ और गाड़ी को गिरा दूँ। काफ़ी टाइम के बाद आया, लेकिन इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लोगों को देख के कि लोग कितना यहाँ पे रिलैक्स फील कर रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ देखो लोग मस्त आराम निराव से रिलैक्स है एकदम, हर जगह बहुत बहुत बढ़िया फील हो रहा है। ये भाई गाड़ी जा पाएगा ना? हाँ, जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट जाना पड़ेगा अंधेरा होने से पहले, क्योंकि इसका लाइट तो आपको पता ही है, आपने देखा इसका लाइट कैसे डाउन हो चुका है, एकदम सामने ही दिखता है। ये रेड रेड क्यों दिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बाहर तो मुझे आँखों से भी रेड रेड दिखाई दे ही रहा है। अभी ऐसे आ रहा है, अभी अंदर आया है। पहले तो 100 रुपया मांगूंगा उससे मैं कि 100 रुपया दे दे भाई प्लीज़। हाँ पेट्रोल के लिए। सो अभी हमारे एक दोस्त है जो गए थे राइड का, बाइक का राइड लेने के लिए, मेरे यहाँ पे दिल जो है बाहर आ गया था। मतलब पूछो मत, बंदे ने कैसा बाइक चलाया कि यहाँ तक इधर 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 मैं अगर बाहर गया मुझे किसी ने पकड़ा बस, हाँ मैं यहीं पे लेकर, जो स्पीड में चलाया ना आपने भाई, बिंदास बिंदास। आप भी बाहर जाओगे? हाँ बिंदास बिंदास। फिर कभी कैसा था, कैसा था एक नंबर भाई, एक नंबर। कर दिया, बैक फायर हुआ बढ़िया एकदम। इधर इन लोग से पूछो, मेरी कैची फट रही थी यहाँ पे भाई, इससे पूछो। सो अरे अन्ना भाई इधर इधर ही, ये लाइट देख के लगा ही मुझे कोई तो है जो फॉलो कर रहा है। अरे सही है, और दोस्त यहाँ पे दिखा। हाँ यार ठीक कराना यार, नहीं चाबी नहीं, इसका प्रॉब्लम है, इधर WD-40 मार दूंगा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कहाँ फिर घर पे जा रहे हो आप? मैं यहाँ से निकल जाता हूँ फिर, अच्छा रहेगा। कुछ नहीं रहे, सवाल पे था। नहीं चलो फिर मैं आपके साथ आपको ड्रॉप करता हूँ घर पे, स्टैंड नीचे था। चलो हाँ तो देना भाई, तू ही देना। क्या मतलब ये ऐसा हो गया है, इसका हो गया गोरी का गाल जो दिख रहा है, गाल कैसे यार बड़ी स्वीट है यार, थोड़ा गाल घुमा लें दे। तो उसमें लाइट बहुत पावरफुल है, वैसा लाइट कुछ देखेंगे हम। लाइट बहुत अच्छा है एकदम, वैसा ही चार डाल देंगे इसमें। हाँ चलो बाबा भाई, यहाँ पे पार्किंग इश्यू हो चुका है, हमारे बाइक की पार्किंग वहाँ पे थी, वो बिजी हो गया, तो आज बाइक को यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा और जो फेनाइल की गोली है 2-4 यहाँ फेंकना पड़ेगा। लाते हैं उसको, यहाँ रखते हैं हमारी ब्लैक परी, यस इसका नाम हो चुका है चेंज। हाँ सो आज बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस लिया मैंने, जो कि मेरे अंदर जो डर था पहले कि कहीं भी मुझे पुलिस वाले रोकते थे, मतलब गाड़ी छोड़ी चेकिंग करने के लिए, मैं बहुत हड़बड़ा के और डर डर के बोलता था। ये बात मेरे सभी दोस्तों को पता है, क्योंकि वो मेरे साथ कभी जब जो भी होता था वो समझ जाता था, लेकिन आज वो डर नहीं उतना लगा,
जब ऐसा लगा कि हाँ कोई मुझे जानता है, अच्छे से बात बात हुआ, और थैंक यू सो मच आज आपने ये काम किया, मतलब मुझे रोका और आपने अच्छे से बात किया, वो कॉन्फिडेंट थोड़ा सा आ गया। सही होता हूँ, गलत कहीं नहीं होता। और एक सबसे मेन चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ लोग दिखा रहे जो कि बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसमें मैं भी आता हूँ। इस लॉकडाउन पे मैं भी कभी कभी बाइक लेके कहीं बाहर चले जाता हूँ, गाड़ी लेके कहीं बाहर चले जाता हूँ, तो वो भी गलत होता है। आप उसे प्लीज़ रिपीट ना करें, आप भी देख के किसी को ना जाए, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सभी को कहा गया है कि जो काम नहीं है तो घर पर रहे, लेकिन हमें तो काम करना ही पड़ेगा, अपना यही काम है ट्रैवलिंग, घूमना फिरना और आपको दिखाना अपने नज़रिए से ये दुनिया। तो लॉकडाउन में बाहर तो जाने मिलता नहीं, बोईसर में ही घूम लेता हूँ और आपको व्लॉग बना के दिखा पाता हूँ। उतने अमीर तो है नहीं कि घर का कुछ अच्छा अच्छा अपडेट दिखाए, छोटा सा रूम है 1 BHK जिसमें हम फैमिली रहते हैं, बाकी जैसा नहीं है बड़ा सा कि हाँ रोज़ कुछ नया आ रहा है, ऑनलाइन मंगा रहे दिखा रहे, तो थोड़ा सा मुझे तो करना पड़ेगा, वरना फिर ये कमाऊंगा कहाँ से। जो भी आ रहा है अभी अर्निंग यूट्यूब से ही थोड़ा हो रहा है, और मैं बाकी जो काम कर रहा हूँ अभी खुद का भी काम नहीं, दूसरों का काम एक्सपोजिंग जाके करता हूँ, वो भी करना ही पड़ेगा। प्लानिंग था कि 2021 में सिर्फ यूट्यूब में ही काम करेंगे, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना का आशीर्वाद सबके ऊपर है जो सबको घर बैठे रहे, तो आप भी इसको गलत वे से मत लेना, काम नहीं करूँगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ वहाँ जाके घूम के व्लॉग बनाता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते गाइस, मिलते जल्दी दूसरे व्लॉग में। अब पता नहीं वो व्लॉग कैसा होगा, वो यस चलो भाई बाजू में ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे चूहे महाराज का जो बाइक पे चढ़ने का रास्ता है, मैंने वहीं पर दिखे फिनाइल की गोटी, एक वहाँ पर फिनाइल की गोटी और 2 वहाँ पर नीचे रखा है, बाकी यहाँ पर यार लाइट है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। वॉशिंग कुछ नहीं हुआ है, एक जन से बात हो रही है पर जा नहीं पा रहा हूँ, एक दिन जिस दिन जाऊँगा उस दिन ये चमका के लाऊँगा। यस।